What's up guys, welcome to our channel Netflix Decoded. Money Heist Part 4 एंड होने के बाद सभी फैंस के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। इसी सवालों के कारण उन्होंने अपने हिसाब से फैन थियोरीज लेकर आए हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट पार्ट 5 की सबसे ज्यादा बिलीवेबल फैन थियोरीज के बारे में। सबसे पहली और बिलीवेबल थियरी यह है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स पार्ट 5 में मरने वाले हैं और शो के डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स ने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि कौन से कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। नैरोबी के मरने के बाद हमें एक सीन दिखाया गया था जहां पर नैरोबी फ्लोर पर लेटी हुई है और वहां पर हमें ओस्लो, मॉस्को और बर्लिन जैसे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी कैरेक्टर्स मरे हुए हैं। ये सीन जैसे आगे प्रोग्रेस करती है तो हमें पता चलता है कि उसी जगह पर डेनवर और प्रोफेसर भी मौजूद हैं, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आगे जाकर डेनवर और प्रोफेसर पार्ट 5 में दोनों मरने वाले हैं। टोक्यो जब ये शो का नरेशन करती है तो जब भी वो प्रोफेसर के बारे में बताती है वो एक शब्द यूज करती है कि प्रोफेसर उसका गार्डियन एंजल रहा है शुरुआत से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्रोफेसर मर चुके हैं और टोक्यो उसके बारे में किसी और को बता रही है। प्रोफेसर का मर जाना हम सभी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉक साबित हो सकता है, क्योंकि पार्ट 1 से प्रोफेसर ही इस गैंग के लीडर रहे हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद शायद लिस्बो इस गैंग की लीडर बन जाएगी। एक और थियरी ये दिखाती है कि फुटबॉल मैच के समय जो भी लोग ब्लू कपड़े पहने हैं वो मर रहे हैं। अगर ये थियरी सच है तो हमें आगे जाकर पोलर्मो, बोगोटा और मसली की मौत देखने को मिलेगी पार्ट 5 में। दूसरी थियरी ये कहती है कि बर्लिन की वाइफ तातियाना इस हाइस्ट का बड़ा हिस्सा बनेगी। बर्लिन की वेडिंग के टाइम दिखाया गया था कि तातियाना बहुत सारे हाइस्ट में बर्लिन का साथ दी है और वो एक रॉबर है। प्रोफेसर को जब पता चलता है कि बर्लिन ने तातियाना को इस हाइस्ट के बारे में बता दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और बर्लिन से कहते हैं कि उसको अपने हाइस्ट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि तातियाना को इस हाइस्ट के बारे में बता देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। आगे जाकर वो उन्हें धोखा भी दे सकती है, इसीलिए प्रोफेसर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। बर्लिन तब प्रोफेसर को शांत करते हुए ये बात समझाता है कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि आगे जाकर कोई भी गैंग मेंबर उन्हें धोखा दे सकता है, तो वो तातियाना पर पूरा भरोसा करता है और वो उन्हें धोखा नहीं देगी। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा फैन थियरीज आगे आ रहे हैं जहां पर तातियाना प्रोफेसर का इस हाइस्ट में मदद करेगी। एक और थियरी ये बता रही है कि क्योंकि तातियाना को इस पूरे हाइस्ट के बारे में पहले से ही पता है, वो पुलिस के साथ मिल जाएगी और प्रोफेसर और गैंग को पकड़ने में उनकी मदद करेगी। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और क्रेजी थियरी ये भी बता रही है कि तातियाना और अलिसा सियरा दोनों एक ही हैं। कि इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग एक्ट्रेसेस ने रोल निभाया है तो इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है, तो आगे जाकर हमें देखना होगा कि क्या ये सच है या फिर नहीं। तीसरी थियरी अलिसा सियरा के फ्यूचर को लेकर है। जैसे हमने देखा था मनी हाइस्ट पार्ट 4 के आखिरी एपिसोड और आखिरी सीन में कि अलिसा सियरा प्रोफेसर को कन्फ्रंट कर देती है। प्रोफेसर को मारने या पकड़ने के बजाय शायद अलिसा सियरा प्रोफेसर की गैंग ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर्स ने तो अलिसा सियरा को एक फ्यूजिटिव करार दे दिया है। इस बात को और ज्यादा बैकअप करने के लिए मैं आपको चीज बता देता हूँ कि मनी हाइस्ट पार्ट 4 के एंड क्रेडिट्स में अलिसा सियरा बेला चाओ गाने लग पड़ती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। एक और थियरी ये भी बता रही है कि क्योंकि अलिसा सियरा प्रेग्नेंट है और जब वो प्रोफेसर को कन्फ्रंट कर देती है उस समय शायद वो अपने चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, और इस समय प्रोफेसर उसकी मदद कर देते हैं और इसी बात से वो खुश होकर उसकी गैंग ज्वाइन कर लेगी। या फिर एक और थियरी ये भी बताती है कि चाइल्ड को बर्थ देने के बाद अलिसा की मौत हो जाती है और प्रोफेसर उस बच्चे का ध्यान आगे जाकर रखते हैं। एक और थियरी ये भी बता रही है कि क्योंकि शुरुआत से टोक्यो ये शो का नरेशन कर रही है, शायद अलिसिया के बेटे को ये स्टोरी वो बता रही है। टोक्यो के नरेशन की बात कर ही रहे हैं तो हमारी चौथी और आखिरी थियरी इस वीडियो में है कि टोक्यो का नरेशन। आखिर टोक्यो शुरुआत से इस शो का नरेशन क्यों कर रही है? शायद ये भी है कि टोक्यो इस गैंग की आखिरी सर्वाइवर है, इसीलिए वो पूरे शो को किसी को नरेट कर बता रही है।
या फिर ये भी हो सकता है कि टोक्यो अपनी स्टोरी एक कोर्ट में जजेस को बता रही हो और ये एक और प्लान पेरिस हो। प्लान पेरिस आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, पिछले सीजन में हमने देखा था प्लान पेरिस का मतलब ये होता है कि अपनी स्टोरी कोर्ट में जजेस को बताते रहो और उनका टाइम जाया करते रहो, तब तक गैंग के पास टाइम आ जाएगा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए। सबसे ज्यादा बिलीवेबल थियरी ये है कि टोक्यो ये सारा नरेशन नैरोबी के सन एक्सेल के लिए कर रही है, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि जब नैरोबी की मौत हो जाती है वो कहती है कि जब भी एक्सेल 18 ईयर्स का हो जाए तो उसको उसकी माँ के हीरोइक्स कामों के बारे में बताएं और ये सारा हाइस्ट जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में बताएं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके मुताबिक क्या थियरीज हैं पार्ट 5 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।